लीला राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी मैं आयो चाहत हो तुम पे मैं राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी जतन अनेक बिनती करिहार्यो जतन अनेक बिनती करिहार्यो कैसे जात ना फेरी राधा प्यारी कैसे जात ना फेरी पर बस पर्यो दास परमानंद पर बस पर्यो दास परमानंद काहि सुनावो तेरी राधा प्यारी काहि सुनावो तेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी मैं आयो चाहत हो तुम पे मैं आयो चाहत हो तुम पे बीच लिए राधा प्यारी बीच लिए उन घेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी। Hey friends, Eric here, and in this video, I want to talk to you about how you can retire with just $300,000. Most people can retire with $100,000 a year of income. If you use a traditional... श्री प्रिया इंदुलेखा के कुंज में बैठी हैं। गोलाकार संगमरमर की सुंदर वेदी है। वेदी का व्यास 8 गज है। वह पृथ्वी से एक हाथ ऊंची है। वेदी के चारों ओर हरी हरी दूब लग रही है। दूब को अत्यंत सुंदर ढंग से काट छांट कर उस पर चित्रकारी बनाई गई है। वेदी के ऊपर नीले मखमल का मोटा गद्दा बिछा हुआ है। वेदी के बीच में नीले मखमल से जड़ा हुआ सिंहासन है। सिंहासन से कुछ दूर पश्चिम की ओर एक नीला मसनद है। उसी के सहारे श्री प्रिया पूर्व एवं दक्षिण के कोने की ओर मुख किए हुए बैठी हैं। श्री प्रिया के पीछे ललिता खड़ी हैं। ललिता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं तथा दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली को अपने मुंह के पास ले जाकर दूर पर खड़े श्याम सुंदर को संकेत से बोलने के लिए मना कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर वेदी से लगभग 12 गज पश्चिम की ओर हटकर सुगंधित पुष्प के वृक्ष की एक डाली को बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं। श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में वंशी है। कुंज के द्वार के पास आते ही वे विलास मंजरी से यह ज्ञात कर चुके हैं कि आज प्रिया मान करके बैठी हुई हैं। इसीलिए धीरे धीरे आकर वेदी से दूर खड़े होकर ललिता से संकेत से पूछ रहे हैं, क्यों आज क्या ढंग है। ललिता पहले तो आंखें तरेर कर कुछ धमकाती हैं,
पर श्याम सुंदर को मुस्कुराते देखकर बरबस मुस्कुरा पड़ती हैं। फिर वे कुछ नहीं बोलने का संकेत कर रही हैं। श्याम सुंदर आए हैं इस बात से सभी सखियों में आनंद का प्रवाह बह रहा है, पर साथ ही श्री प्रिया की गंभीर मुख मुद्रा को देखकर सभी अपने आनंद को संभालकर बहुत शांतिपूर्वक अपनी अपनी सेवा का कार्य कर रही हैं। श्री प्रिया बहुत गंभीर बनी बैठी हैं तथा किसी से कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उनके आगे पनबट्टा पड़ा है। वेदी के पूर्व एवं दक्षिण की ओर अत्यंत सुंदर बड़े बड़े अशोक के दो वृक्ष लगे हुए हैं। उन पर तोता एवं मैनाओं के समूह बैठे हुए हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न जाति के पक्षी कुंज के वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए कलरव कर रहे हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर को आए हुए जब देर हो जाती है, तब अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ तोता बोल उठता है, देवी इंदुलेखे, आहा देखो प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे कुंज में पधारे हैं। आहा, उनकी कैसी विलक्षण शोभा है। अलकावली की दो बिखरी हुई लटें कपोलों पर आ गई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भौरों के समूह दो दिशाओं से उड़ते हुए आकर फिर एक पंक्ति में बैठकर श्याम सुंदर के मुख कमल का मकरंद पान कर रहे हों। आहा, कितनी सुंदर आंखें हैं, क्या उपमा दूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे, ये वस्तुतः सर्वथा अनुपम है। आहा, देखो अधर पर कैसी मंद मुस्कान है। प्यारे श्याम सुंदर, बलिहार है तुम्हारे इस रूप को। तोता कुछ देर ठहर कर फिर कहता है, देवी इंदुलेखे, आज क्या बात है, तुम खड़ी हो। सुनो, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को खड़े खड़े कितनी देर हो गई, उनके पैर दुख गए होंगे। आसन बिछाओ, अपने कोमल हृदय का आसन बनाकर श्याम सुंदर को उस पर बिठाओ। तोता यह बोल ही रहा था तथा आगे बोलने का तार अभी टूटा नहीं था कि सारी बीच में ही बोल उठती है, तोते, तू भी श्याम सुंदर की भांति वस्तुतः रस से अनभिज्ञ है, इसीलिए तो इतना बक बक कर रहा है। अरे, तू जिन श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, उन्हीं का गुण मैं तुम्हें सुनाती हूँ, फिर पता लग जाएगा कि ये कैसे हैं। सुन, तू जानता है मेरी प्यारी राधा रानी के हृदय की बात? नहीं जानता, यदि जानता होता तो फिर आज इस प्रकार नहीं बोलता।